हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चलिए दोस्तों, मैंने आज आपके लिए 24 अप्रैल 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं सारे मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं या तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर आप अपना नंबर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वहां एवरीडे 4 बजे शाम को क्यूज होता है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा। ये वीडियो आपको सुबह 4 बजे अपलोड कर देता हूं, मिल जाएगा मेरे इसी चैनल पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य हाल ही में कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बना है? कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, गोवा। गोवा है जो कि भारत का पहला राज्य बन गया है कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला। भारत का गोवा राज्य हाल ही में कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बना है। अब यहां एक भी कोरोना मरीज नहीं है। पहले जो 7 मरीज संक्रमित थे वे पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज होकर अपने घर चले गए हैं। तो चलिए गोवा के बारे में जान लेते हैं। गोवा जिसका राजधानी पणजी, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गवर्नर है सत्यपाल मलिक। गोवा में कुल जिलों की संख्या है 2, विधानसभा सदस्यों की संख्या 40, लोकसभा सदस्यों की संख्या 2, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1 है। अब चलिए एक एक करके सभी ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं। आइए गुजरात देखते हैं जिसका राजधानी गांधीनगर, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात का राज्य दिवस मनाता है 1 मई को। गुजरात में कुल जिलों की संख्या 25, विधानसभा सदस्यों की संख्या 182, लोकसभा सदस्यों की संख्या 26, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 है। और गुजरात में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में स्थित है। अब चलिए बिहार देख लेते हैं। बिहार जिसका राजधानी है पटना, बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, गवर्नर है फागू चौहान। बिहार में कुल जिलों की संख्या है 38, विधानसभा सदस्यों की संख्या 243, विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75, लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है। चलिए लास्ट में पंजाब देख लेते हैं जिसका राजधानी चंडीगढ़, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। पंजाब में कुल जिलों की संख्या है 17, विधानसभा सदस्यों की संख्या 117, लोकसभा सदस्यों की संख्या 13, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 7 है। अब चलिए इन सभी राज्यों को भारत के मैप पर थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। चलिए देखिए, ये आपके सामने है गुजरात जिसका जो अपना सीमा राजस्थान के साथ, इधर पाकिस्तान देश के साथ अपना सीमा बनाता है, इधर दमन एंड दीव के साथ अपना सीमा बनाता है अरब सागर के साथ, और इधर महाराष्ट्र के साथ अपना सीमा बनाता है और मध्य प्रदेश के साथ अपना सीमा बनाता है। अब चलिए देख लेते हैं गोवा जो कि सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये आपके सामने है जो कि अरब सागर के साथ नीचे में अपना सीमा बनाता है, महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है, कर्नाटक के साथ सीमा बनाता है। चलिए बिहार देख लेते हैं, ये आपके सामने देखिए बिहार है जो कि नेपाल देश के साथ अपना सीमा बनाता है, इधर उत्तर प्रदेश के साथ अपना सीमा बनाता है, इधर झारखंड के साथ अपना सीमा बनाता है, इधर पश्चिम बंगाल के साथ भी अपना सीमा बनाता है। चलिए पंजाब देख लेते हैं, ये आपके सामने देखिए दोस्तों है पंजाब जो कि इधर पाकिस्तान के साथ अपना सीमा बनाता है, बॉर्डर बनाता है, इधर हरियाणा के साथ अपना सीमा बनाता है और इधर हिमाचल प्रदेश के साथ और जम्मू कश्मीर के साथ। चलिए इतना जानकारी काफी होगी, आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 23 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस उन सभी लेखकों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है जिन्होंने मानवता की सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति में योगदान दिया है। 2020 के लिए नारा है, स्लोगन है KL बुक का केयरिंग थ्रो रीडिंग, और 2020 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल है कुआलालंपुर मलेशिया। अब देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। विश्व जल दिवस जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है, और विश्व जल दिवस का 2020 का थीम है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। याद रखिएगा, नोट करते जाइएगा, मैं जब भी आपको पढ़ाना स्टार्ट करूं आप कॉपी कलम साथ में लेकर के बैठिएगा और सारा नोट करते जाइएगा जो भी मैं एक्स्ट्रा बताता हूं। और विश्व बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को, और विश्व महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्टार मार्क कर लीजिएगा दोस्तों, और पहला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था। हाल ही में वास करो मोबाइल एप्लीकेशन किस शिक्षण संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? वास करो मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि किस शिक्षण संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, IIIT दिल्ली। दोस्तों यहाँ याद रखिएगा, देख लीजिएगा ध्यान से, IIIT है और टी है, IIIT दिल्ली के द्वारा वास करो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। IIIT का फुल फॉर्म होता है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों IIIT दिल्ली ने लोगों को एक कोरोना वायरस कंटेंट जोन के बारे में आगाह करने के लिए वास करो नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। उन्हें यह जांचने में मदद करता है कि क्या महामारी के बारे में कोई समाचार वस्तु असली है या नकली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर चौथा, हाल ही में इंग्लिश लैंग्वेज डे किस तिथि को मनाया गया है? क्वेश्चन ये भी अच्छा है, इंग्लिश लैंग्वेज डे किस तिथि को मनाया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को इंग्लिश लैंग्वेज डे के रूप में मनाया गया है। और ये किस लिए मनाया जाता है? तो अंग्रेजी भाषा दिवस हर साल 23 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह प्रसिद्ध लेखक विलियम शेक्सपियर के जन्म दिवस और मृत्यु की तारीख को चिन्हित करता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। 21 अप्रैल, 21 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, और 21 अप्रैल को वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे यानी विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस भी मनाया गया है, और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है, वर्ल्ड अर्थ डे, जिसका थीम है क्लाइमेट एक्शन, और यह इसकी 50वीं वर्षगांठ थी 2020 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा, हाल ही में किसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF के आई एम बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, PV सिंधु। पीवी सिंधु ये आपके सामने है, जिन्हें वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के आई एम बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि पीवी सिंधु जो है CRPF, वीजा, PNB, मेट लाइफ के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। विराट कोहली किसके किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो विराट कोहली जो है भारतीय टीम के कप्तान हैं वर्तमान समय में, और यह MPL मोबाइल प्रीमियर लीग, उबर इंडिया, अमेरिकन टूरिस्टर, BSF, PNB, गूगल, डियो के ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट कोहली। अगर आपको ब्रांड एम्बेसडर का टॉपिक देखना है तो मेरे इसी चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आकर आप देख सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर का टॉपिक, या तो आई बटन पे आपको दिया हुआ है देख सकते हैं। और ये जो साक्षी मलिक है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन IMMA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा को इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन IMMA के नए अध्यक्ष बनाया गया है, ये आपके सामने है राकेश शर्मा। IMMA ने राकेश शर्मा को 2 साल के कार्यकाल के लिए अपना अध्यक्ष चुना है। वह मई 2019 से IMMA के उपाध्यक्ष पद पर आसीन थे। और दोस्तों राकेश शर्मा से पहले जोहान्स लोमन जो थे ये IMMA के अध्यक्ष थे, इन्हीं को रिप्लेस करके राकेश शर्मा अध्यक्ष बने हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार कर लीजिएगा। फेसबुक ने रिलायंस जियो की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 9.99%, 9.99% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है फेसबुक ने रिलायंस जियो की। फेसबुक ने 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 43,574 करोड़ रुपए में रिलायंस जियो की 9.99% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। चलिए यहाँ फेसबुक का बात आया तो फेसबुक के बारे में जान लेते हैं और रिलायंस जियो के बारे में भी जान लेते हैं। चलिए फेसबुक जिसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया US में, इसका स्थापना किया गया था फरवरी 2004 को, इसके CEO और संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग। अब चलिए रिलायंस जियो देख लेते हैं, जिसके संस्थापक हैं मुकेश अंबानी, इसका स्थापना किया गया था 2007 को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आठवां आपके सामने है, हाल ही में अपथामित्रा नामक मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? अपथामित्रा नामक मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने अपथामित्रा नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये है आपके सामने कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा। तो कर्नाटक सरकार द्वारा कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में राज्य के लोगों को सशक्त बनाने के लिए अपथामित्र ऐप और अनन्य टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14410 शुरू किया गया है। ऐप का उद्देश्य कोविड-19 पर चिकित्सा मार्गदर्शन और सलाह प्रदान करना है, जबकि हेल्पलाइन केवल कोविड-19 से संबंधित प्रश्नों से निपटने के लिए समर्पित है। चलिए कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक जिसकी राजधानी बेंगलुरु, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली या इलेक्ट्रॉनिक नगर के रूप से जाना जाता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री आपके सामने BS येदियुरप्पा, गवर्नर है भाजुभाई वाला। कर्नाटक में कुछ जिलों की संख्या 30, विधानसभा सदस्यों की संख्या 224, विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75, लोकसभा सदस्यों की संख्या 28 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 12 है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तमिलनाडु जिसकी राजधानी चेन्नई, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इडापड्डी के पलानीस्वामी, गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित। तमिलनाडु में कुल जिलों की संख्या है 37, विधानसभा सदस्यों की संख्या 234, लोकसभा सदस्यों की संख्या 39, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 18 है। और तमिलनाडु का राज्य दिवस मनाया जाता है 14 अप्रैल को।
चलिए तेलंगाना देख लेते हैं। तेलंगाना जिसका राजधानी है हैदराबाद, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर और गवर्नर है तमिलीसाई सुंदर राजन। तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था 2 जून 2014 को। अब चलिए कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना को भारत के मैप पर देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, ये देखिए आपके सामने है कर्नाटक, जो कि इधर महाराष्ट्र के साथ, गोवा के साथ और इधर लक्षद्वीप के साथ और इधर केरला के साथ, तमिलनाडु के साथ और इधर आंध्र प्रदेश के साथ और तेलंगाना के साथ अपना सीमा बनाता है कर्नाटक। और ये आपके सामने है तमिलनाडु, जो कि केरल के साथ अपना सीमा बनाता है। नीचे में उसके हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन, और श्रीलंका लटका हुआ है इधर पुदुचेरी के साथ, और इधर आंध्र प्रदेश के साथ अपना सीमा बनाता है और कर्नाटक के साथ भी अपना सीमा बनाता है तमिलनाडु। और ये आपके सामने देखिए तेलंगाना, जो कि छत्तीसगढ़ के साथ अपना सीमा बनाता है, महाराष्ट्र के साथ इधर सीमा बनाता है, कर्नाटक के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ भी अपना सीमा बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा इजराइल का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक कब लॉन्च किया जाएगा? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा जरूर। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा इजराइल का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक कब लॉन्च किया जाएगा? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, 2021 में लॉन्च किया जाएगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा इजराइल का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक। डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म टीसीएस बीएनसीएस ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित किया जाएगा। टीसीएस को इजराइल के वित्त मंत्रालय द्वारा अपने बैंकिंग क्षेत्र को बदलने के लिए चुना गया है। अब चलिए यहाँ टीसीएस का बात आया तो टीसीएस के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इससे जिसका फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके सीईओ है राजेश गोपीनाथन। अब चलिए यहाँ इसराइल देश का भी बात आया तो इसराइल के बारे में जान लेते हैं। इसराइल जिसका राजधानी है जेरूसलम और करेंसी है, मुद्रा है इसराइली सेकेल। इसराइल के राष्ट्रपति हैं रियूवेन रिवलिन और प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। चलिए आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 100% है कि एग्जाम में पूछा जाएगा आपके आने वाले रेलवे या एसएससी या बैंकिंग के एग्जाम में 100%। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्या दान 2.0 शुरू किया है? विद्या दान 2.0 किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रमेश पोखरियाल द्वारा शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया है विद्या दान 2.0 कार्यक्रम। तो दोस्तों एचआरडी मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा ई शिक्षण सामग्री योगदान को आमंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्या दान 2.0 शुरू किया गया है, क्योंकि छात्रों के लिए ई लर्निंग सामग्री की आवश्यकता स्थिति की पृष्ठभूमि में बढ़ गई है। यह दान या साझा सामग्री दीक्षा ऐप पर उपयोग की जाएगी। तो हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक, और इनका कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है हरिद्वार उत्तराखंड में। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, गृह मंत्रालय के मंत्री हैं अमित शाह, और इनका कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है, चुनाव क्षेत्र है गांधीनगर गुजरात। और वर्तमान समय में हमारे विदेश मंत्रालय के मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, और इनका कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है, चुनाव क्षेत्र है आंध्र प्रदेश। चलिए मैंने आपसे पिछले बार एक क्वेश्चन पूछा था पिछले क्लास में, और क्वेश्चन ये था कि हाल ही में किसे भारत के राष्ट्रपति का सचिव नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, कपिल देव त्रिपाठी। इनका आंसर आप बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिया है। आज मैंने आपके लिए फिर से एक क्वेश्चन लाया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर आप वीडियो देखते हैं तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप वीडियो पूरा देखे हैं। और क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसने WHO के साथ मिलकर टुगेदर एट होम स्टिकर पैन निर्मित किया है? आपके सामने चार ऑप्शन है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों थैंक यू, स्टे होम सेफ लाइफ, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा।